ब्रजभूषण शरण सिंह ने महिला पत्रकार के साथ की बदतमीजी, अब सोशल मीडिया पर हो रहे जमकर ट्रोल, लोगों की प्रतिक्रिया देख आप हो जाएंगे हैरान। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। जैसा कि गौरतलब है, कई दिनों पहले लगातार जंतर मंतर की सड़कों पर तमाम महिला कुश्ती खिलाड़ियों के माध्यम से जो विरोध प्रदर्शन ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ में जो जारी किया गया था, लगातार तमाम समय तक के एक बड़े अंतराल तक के महिला कुश्ती खिलाड़ी जंतर मंतर की सड़कों पर न्याय की गुहार कर रहे थे। और तमाम महिला कुश्ती खिलाड़ियों का ये कहना था कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो उनके फेडरेशन का अध्यक्ष है, उनके ऊपर में तमाम यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए गए थे, पॉस्को एक्ट तक के लगाया गया। उसके बाद में भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े कद्दावर और नेता होने के चलते ब्रजभूषण शरण सिंह पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली। लगातार महिला कुश्ती खिलाड़ी अपने न्याय की गुहार करते रहे। मात्र कुछ ही दूरी पर जिस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी जंतर मंतर की तमाम सड़कों पर अपनी लगातार गुहार करते हुए महिला कुश्ती खिलाड़ियों के माध्यम से उनकी आवाज उनके कानों तक नहीं पहुंच पाई, और लगातार ब्रजभूषण शरण सिंह को जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी की भाजपा की सरकार ने जिस तरीके से बचाव करने का काम किया, ये पूरे देश की जनता ने बखूबी देखा। और इसी मसले को लेकर टाइम्स नाउ की महिला पत्रकार ने जो तमाम सवालात करने का काम किया, जब दिल्ली के एयरपोर्ट पर ब्रजभूषण शरण सिंह अपने एयरपोर्ट से लेकर तो जब अपने गाड़ियों के काफिले तक पहुंचते, तब इस बीच के अंतराल में महिला पत्रकार जो टाइम्स नाउ की है वो सवाल करती है कि जिस प्रकार आपके ऊपर में जो 6 मुकदमे लगाए गए हैं और जिस तरीके से आपके इस्तीफे की जो मांग की जा रही है, तो इस बात पर ब्रजभूषण सिंह शरण सिंह भड़क जाते हैं और कहते हैं कि मैं किस बात का इस्तीफा दूं। और जिस तरीके से जो बदतमीजी का जो बर्ताव ब्रजभूषण शरण सिंह के माध्यम से किया जाता है, जो कहने की लगातार आपत्तिजनक बताया जा रहा है, महिला पत्रकार के साथ में ये जो बर्ताव है, इसके ऊपर लगातार लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया लिख रहे हैं और तमाम बयान यहां पर सोशल मीडिया पर इस मसले को लेकर लोग दे रहे हैं। इसी सिलसिले को लेकर हम आपसे रूबरू करवाएंगे किस प्रकार इस पूरे वीडियो को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया है, आखिर इस वीडियो को लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर लोगों का क्या कहना है, महिला पत्रकार के साथ में ब्रजभूषण शरण सिंह ने जो बदतमीजी की है इसको लेकर लोगों का क्या कहना, आइए देखते हैं। यूजर लिख रहे हैं कि बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से खाए, सत्ताधारी पार्टियों का महिमा मंडन करते करते नौबत यहां तक आ गई। खैर टाइम्स नाउ जी, आप इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, उल्टा अपने पत्रकार से ही माफी मंगवानी पड़ सकती है, हो सकता है नौकरी से ही निकालना पड़े क्योंकि नेताजी की रूलिंग पार्टी से है। तो यहाँ पर ये यूजर का ये कहना है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से आए। तो यहाँ पर ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर में, केंद्र के अंदर में जो अपनी सत्ताधारी पार्टी चला रही है, ऐसे में ये समझ में आता है कि जो जातिवादी और कहने की जो एक तरीके से तानाशाही वाला जो रवैया भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिल रहा है, जिसके चलते वो भारतीय संविधान के बदलो तो तमाम पदों पर पहुंच चुके हैं, लेकिन भारतीय संविधान को किसी भी तरीके से अमल में लाना ये उनकी मंशा नहीं है, मनुस्मृति उनके मन मस्तिष्क में बसी हुई है। इसीलिए टाइम्स नाउ की जो पत्रकार है, जिसको लेकर यहां पर यूजर का कहना है कि ये नौबत यहां तक आ सकती है कि उनको अपना इस्तीफा भी देना पड़ सकता है, क्योंकि जो नेताजी है मतलब ब्रजभूषण शरण सिंह है, ये सत्ताधारी पार्टी से, इस प्रकार लगातार लोगों का बयान यहां पर देखने को मिल रहा है। आगे चलकर यूजर का यह कहना है कि सबसे पहले पत्रकारिता के लिए प्रश्न पूछने के लिए महिला पत्रकार का धन्यवाद। कहावत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश आता है तो मूर्खों की बुद्धि काम करना बंद हो जाती है। किसी पर मूत्र करना और महिला पत्रकार का माइक तोड़ना इनके पतन की शुरुआत है। तो आप समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार ये तमाम यूजर अपनी जो प्रतिक्रिया लिख रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस देश के अंदर में आखिर मीडिया के साथ में किस प्रकार का बर्ताव किया जा रहा है और उसमें भी महिला पत्रकार के साथ में किस तरीके से बर्ताव किया जा रहा है। यूजर के माध्यम से तमाम जो बातें यहां पर कही गई है कि उनका यह कहना है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, इस प्रकार की जो चीजें है इससे यह समझ में आता है कि तमाम जो मूर्खों की बुद्धि है ये बंद हो जाती है जब उनका विनाश का समय आ जाता है।
और इसी प्रकार देश के अंदर में जो मध्य प्रदेश के सीधी जिले में जो वाकया हुआ, इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवेश शुक्ला के माध्यम से जो आदिवासी युवक के चेहरे पर उसके शरीर पर जो पेशाब करने का मामला सामने आया है, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के बड़े कद्दावर नेता ब्रजभूषण शरण सिंह के माध्यम से जो टाइम्स नाउ की महिला पत्रकार के साथ में जो बदतमीजी करने का मसला समझ में आया है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है आखिर इनका रवैया कैसा है। ये तमाम दलित आदिवासी विरोधी यहां पर इनका चेहरा है, महिला विरोधी यहां पर इनका चेहरा साफ तौर पर जग जाहिर और उजागर होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। आगे चलकर जो यूजर का ये कहना है कि अब बताओ जब ये जनाब कैमरे पर एक महिला के साथ में बदतमीजी कर सकता है तो सोचिए जो नई नई पहलवान बनने आई होगी उनकी क्या हिम्मत होगी इसके सामने। पर भक्तों ने सोच लिया है पार्टी से है तो कुछ गलत नहीं किया होगा, आगे भी अब देश में यही होगा। तो साफ तौर पर इस ट्वीट से आप समझ पा सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि जिस प्रकार महिला पत्रकार के साथ में जो बदतमीजी करने का काम ब्रजभूषण शरण सिंह के माध्यम से किया गया है, ऑन कैमरा ये सारी चीजें पूरी तरीके से रिकॉर्ड हो चुकी है जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने जो महिला पत्रकार के साथ में जो बर्ताव किया है ऑन कैमरा, जिस तरीके से उन्हें जो बदतमीजी करने का काम किया है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैमरा शुरू होने के बावजूद भी इस तरीके का वो काम अगर कर सकते है तो तमाम महिला कुश्ती खिलाड़ी जो नई नए पहलवान बनने के लिए आए होंगे उनके साथ में किस तरीके का बर्ताव ब्रजभूषण शरण सिंह का रहता होगा। या फिर आप कल्पना कर सकते हैं कि अब महिला पत्रकार के साथ में ऐसा हो सकता है जो ऑन कैमरा है तो तमाम महिला कुश्ती खिलाड़ियों के साथ में क्या नहीं होता होगा, क्या उनकी हिम्मत होती होगी कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ वो कुछ कह दे। ये तमाम बड़ी बात है यहां पर यूजर के माध्यम से कहा गया है। लेकिन तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के जो अनुयायी है तक के जो भक्त यहां पर कहा गया है, तो ये भक्त का ये जरूर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो दूध के धुले होते हैं, किसी भी प्रकार का वो इस प्रकार का जो कृत्य है वो नहीं करते। तमाम तरीके से बदतमीजी हो या फिर पेशाब करने वाला मामला हो, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये तमाम बड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार कहते हैं और इसी प्रकार की चीजें अब देश में होती चलेगी। ये यहां पर तमाम ट्वीट से जो चीजें निकल कर आ रही है लगातार हम के साथ में साझा कर रहे हैं। आगे चलकर यूजर का यह कहना है कि अगर ऐसे ही पत्रकार सवाल पूछने लगे तो भारत की जो पत्रकारिता पर सवाल उठाए जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत साबित होंगे। मुझे गर्व है ऐसे पत्रकारिता पर, शानदार बहन। तो यहाँ पर लगातार जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है वो कहने के एक दोगला चरित्र रखता है, मनुवादी और जातिवादी विचारधारा वाला मीडिया है। इससे आप अंदाज लगाया जा सकता है कि जिस प्रकार ये तमाम जो मेन स्ट्रीम का मीडिया जो लगातार बेबुनियाद चीज़ों के ऊपर में खबरें चलाता है, तमाम दलित आदिवासी पिछड़ों के मुद्दों को दरकिनार करते हुए इस देश के अंदर में हिंदू मुस्लिम को लेकर लगातार बयानबाजी करता हुआ नजर आता है, लेकिन कुछ ऐसे भी पत्रकार और ऐसे भी रिपोर्टर निकल आते हैं खासतौर पर सोशल मीडिया के अंदर में देखने को मिलते हैं, जिसको हम ये कहते हैं कि बहुजन मीडिया ही सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, जो आपकी खबरों को आपके तक पहुंचाने का काम करता है, जो सच को उजागर करने का काम करता है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी हो या तमाम मनुवादी विचारधारा रखने वाले लोग, उनका पर्दाफाश करने का काम करता है, ऐसे पत्रकारिता को सल्यूट करने का, ऐसे पत्रकारिता को नमन करने का। और साथ ही साथ जो महिला पत्रकार ने यहां पर जो अपना हौसला यहां पर दिखाया है, इनके हौसला को अफजाई करने का काम यहां पर किया जा रहा है और लगातार सोशल मीडिया पर महिला पत्रकार की तारीफ भी लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी प्रकार ये यूजर का यहां पर कहना है। साथ ही साथ यहां पर आगे लिखते हैं यूजर की, संघियों की मानसिकता कभी नहीं बदल सकती, बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, साथ दुनिया की सबसे भ्रष्टतम पार्टी है और इनके नेता ब्रजभूषण शरण सिंह नियायती बेशरम और गिरा हुआ है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भले ही दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी क्यों ना हो, लेकिन वो सबसे ज़्यादा भ्रष्टतम पार्टी है और इसके जो नेता है ब्रजभूषण शरण सिंह, ये ब्रजभूषण शरण सिंह नियायती बेशरम और गिरा हुआ व्यक्ति है। तो ये तमाम बड़ी बातें लगातार सोशल मीडिया पर लोग कर रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं को लेकर लगातार तमाम लोगों के अंदर में कितना ज़्यादा रोष है, किस प्रकार का गुस्सा यहाँ पर तमाम लोगों का
का ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जो नीतियां उनकी लगातार कई वर्षों से देखने को मिल रहा है, और इन तमाम नीतियों के कारण अब पूरी तरीके से जो देश की जनता है उब चुकी है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया केंद्र से लेकर तो तमाम प्रदेशों के अंदर में देखने को मिल रहा है, ये पूरा का पूरा जो हाहाकार वाला माहौल भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर में निर्माण किया जा चुका है। ऐसे में जो न्यायिक भूमिका है ये पूरी तरीके धूमिल हो चुकी है, कानून का राज पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका है, और पूरे देश के अंदर में जो न्यायपालिका है वो पूरी न्यायपालिका कहने के भारतीय जनता पार्टी के चंगुल में नजर आ रही है, ये लगातार हमको देखने को मिल रहा है। और ये तमाम बात बड़ी बातें लगातार लोग अपने ट्विटर हैंडल से करते हुए नजर आ रहे हैं। आगे चलकर यूजर का ये कहना है कि भाजपा को ऐसे लोगों को पार्टी से तुरंत निष्कासित करना चाहिए, लेकिन इस मामले में शुरू से बीजेपी का रवैया ढुलमुल रहा है, और एक सीट बचाने के चक्कर में 100 सीट कम ना हो जाए। तो यहाँ पर ये यूजर की जो बात है ये यहाँ पर 100 आने सच साबित हो जाती है, क्योंकि सबसे बड़ा ये कारण है कि जिस प्रकार बजभूषण शरण सिंह के ऊपर में तमाम जो बड़े मुकदमे लगाए गए, जो पॉस्को एक्ट लगाया गया, और जिस प्रकार जो यौन शोषण जैसा गंभीर आरोप लगाए, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से और तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े कद्दावर नेताओं के माध्यम से इस मसले पर जो सकारात्मक रूप से जो बयानबाजी देखने को नहीं मिली, लगातार प्रधानमंत्री मोदी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा बड़े बुलंदी से देते हैं, और तमाम ये जो वादे हैं, ये जो उनके नारे हैं, ये पूरी तरीके से यहां पर खोखले साबित होते हुए नजर आए हैं। इससे एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी इस पूरे देश के अंदर में काम करते हुए नजर आ रही है, और यहां पर भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया, जिस प्रकार तमाम महिला कुश्ती खिलाड़ियों के माध्यम से जंतर मंतर की सड़कों पर जो उन्होंने अपनी आवाज बुलंद करने का काम किया है, दिल्ली पुलिस को लगाकर उनका पूरा का पूरा विरोध प्रदर्शन निष्नाबूद करने का काम किया गया, महिला कुश्ती खिलाड़ियों ने पूरे देश और दुनिया के अंदर में जिस प्रकार भारत का नाम रोशन किया है, इन तमाम महिला कुश्ती खिलाड़ियों के साथ में जो बर्बरता की गई, जिस प्रकार उनको डिटेन करने का काम किया गया, और जिस तरीके से महिला कुश्ती खिलाड़ियों को गाड़ियों के अंदर में पुलिस की गाड़ियों के अंदर में उनको डाला गया है, इस तमाम वाक्यों से लगातार जो देश की गौरव की तस्वीरें हैं ये शर्मसार होते हुए नजर आई है, इसको लेकर लगातार लोगों ने दुख भी व्यक्त किया है। तो ये तमाम खबरें हम आपको लगातार रूबरू करवा रहे हैं। इसको लेकर आगे चलकर और भी तमाम यूजर लिख रहे हैं कि एक जमाना था जब किसी नेता की हिम्मत नहीं होती थी कि किसी रिपोर्टर से बदतमीजी कर दे, क्या जमाना आ गया है। तो यहां पर यूजर का साफ तौर पर कहना है कि एक समय था कि तमाम जो पार्टी के नेता हो, ये तमाम रिपोर्टर से जो मीडिया है, ये मीडिया की भूमिका को बड़े अहम मानते थे, लेकिन जिस प्रकार मेनस्ट्रीम का मीडिया हो और तमाम सत्ताधारी पार्टी चाहे जो भी हो, ये तमाम सत्ताधारी पार्टियां मीडिया को अपने कब्जे में कर लेती है, अपने पंजे में गिरफ्त में ला लेती है, जिससे ये कहना कहने के गलत नहीं होगा कि जब जो सत्ता में आता है उसका ही बोलबाला करना मीडिया यहाँ पर शुरू कर देती है। एक ऐसा दौर था जिस दौर के अंदर में मीडिया के माध्यम से किए गए सवाल को लेकर लगातार जो नेता है वो बसते थे और बड़े ही गंभीरता से उनका जवाब देते, लेकिन जिस प्रकार बृजभूषण शरण सिंह ने महिला पत्रकार के साथ में जो बर्ताव किया है, ये कहने की बड़ा निंदनीय है और एक चिंता का विषय है कि प्रकार जो मीडिया है इसकी भूमिका को बड़े ही धूमिल करना, ये कहने की आम बात हो चुकी है, और मीडिया की तमाम तस्वीरों को लगातार मेनस्ट्रीम का मीडिया जिस प्रकार जो निचले पायदान पर ला चुका है, ये कहने की ये साबित करता है कि इस देश के अंदर में जो आर्टिकल 19 और ये तमाम तरीके से जो बात रखने का जो अधिकार संविधान के तौर पर हमको मिलता है, इसको लेकर जिस प्रकार मीडिया की जो भूमिका है, ये मीडिया की भूमिका जिस प्रकार शून्य यहां पर होते हुए नजर आ रहे, जिसका जो बड़ा श्रेय है ये भारतीय जनता पार्टी को जाता है। तो ये तमाम जो बड़ी बातें यहां पर जो लोगों ने कही है इस पूरे मसले को लेकर, जो महिला पत्रकार के साथ में टाइम्स नाउ की जो महिला पत्रकार के साथ में जो बुरा बर्ताव यहां पर किया गया है बृजभूषण शरण सिंह ने, जिस प्रकार का ये पूरा का पूरा मसला देखने को मिला है, जो सोशल मीडिया पर जो वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसको लेकर लगातार लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया लिख रहे हैं, जिस प्रतिक्रिया को हमने आपसे सीधा साझा करने की यहां पर कोशिश की है, इस पूरे मसले को लेकर क्या आपकी राय प्रतिक्रिया है। बृजभूषण शरण सिंह ने इस प्रकार महिला पत्रकार के साथ में जो वाकया किया है, जो बदतमीजी करने का काम किया, इसको लेकर क्या आपकी राय प्रतिक्रिया है, और इस पूरे वीडियो को लेकर जो लोगों का मानना है, जो लोगों ने अपने बयान दिए हैं, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, उसे लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें,
कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।